ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंचे। इस दौरान बिहार की बेटी विशाखा ने सिंधिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि अभी उनका भाई यूक्रेन के खार्किव में फंसा हुआ है। जब छात्रा ने सिंधिया से कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह से न्यूट्रल है, तो सिंधिया ने जवाब देते हुए कहा कि आप राजनीति में ना पड़े। सिंधिया ने यहाँ कई छात्रों से मुलाकात की, उनको आश्वासन दिया। इसके साथ ही सिंधिया लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के तमाम मंत्री सामने आकर यूक्रेन से आए छात्रों का स्वागत कर रहे हैं, उसमें चाहे स्मृति ईरानी हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया। आप भी सुनिए सिंधिया ने यहाँ क्या कुछ कहा छात्रों से। और आप दोनों, आपके आप अच्छे से सो रही थी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। कहाँ से आई? दिल्ली। मराठी बोलना का तुम्हें? पुणे तो माझा घर आहे बघा। वानवडीमध्ये आमची छत्री आहे, तुम्हाला माहिती आहे माझी मराठी माझे पूर्वज काय करतात होते ओडिशामध्ये झाले। वडील जवळ मोठी झाले, आई बाबा जवळ मोठी झाली। आप लोग चिंता मत करना, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। जब तक आप सब लोगों को रवाना करें, मैं हूँ। आज एक फ्लाइट जा रही है, मेरी वाली फ्लाइट, कल चार फ्लाइट आ रही है। 1000 बच्चों को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं एयरपोर्ट पर ही आऊँगा, तो मैं स्वयं प्रधानमंत्री जी ने हमारे चार मंत्रियों को चार दोस्त वही डटे रहना है, हर एक हमारा बच्चा को वापस करना है। बिल्कुल चिंता मत करो, कोई भी जरूरत पड़ेगी वहाँ तो मुझे जरूर बता रहा। खाने वाने का इंतजाम है सर? अभी कोई रशिया का नंबर है, कोई बात होगी तो उसमें फोन कर देना। ख्याल रखें।